जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज की वीडियो है ज्योग्राफी के वन लाइनर्स क्वेश्चन। धीरे धीरे हम सारे पोर्शंस पे आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे ही धीरे धीरे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आज हम लेकर आए वन लाइनर्स क्वेश्चन। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहले दो चार क्वेश्चन हम नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटेशियन, ठीक है। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है, यानी ज्योग्राफिका एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है, तो एरिस्टोटेलीज, ठीक है, एरिस्टोटेलीज। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन है, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन है, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, अधिकतम समय लेता है, कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है, तो वो है नेपच्यून, ठीक है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड में वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो देखो प्रकाश वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे प्रकाश वर्ष लगाया तो मतलब कि समय की होगी, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है आपसे, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न प्रकाश वर्ष। आपको लगेगा कि ये तो इकाई किसकी होगी, दूरी की नहीं समय की होगी, लेकिन ये इकाई है दूरी की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। और क्या नापते हैं, तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितने अंश डिग्री झुकी हुई है, कितने अंश झुकी है, 23.5 डिग्री। जब मैंने ज्योग्राफी का एक मतलब इंट्रोडक्शन लिया था आपके लिए, तो मैप के द्वारा मैंने आपको समझाया भी था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, तो नेपच्यून सबसे दूर है, और यही कैसे परिक्रमा करता है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। सूर्य अपने अक्ष पर कितनी दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। देखो सूर्य सौर सूर्य से मिलकर बना है सौरमंडल, तो याद रखना है इसे, ठीक। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, भाई सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे के ओर संकेत करते हैं, तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताई दिया, ज्वाइन कर लेना टारगेट गुरुकुल। अगर मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं तो टीम रोहित तोमर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, टीम रोहित तोमर, ठीक है। शनि को सूर्य के चार ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य वो पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट है, तो करीब कितना समय तक की दूरी तय कर लेते, तो 49 किलोमीटर, ठीक है। तारे का रंग किसका सूचक है, तो उसके ताप का, जितना ज़्यादा ताप होगा तारे का रंग हमें उसके बारे में सूचना देता है, ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो नेपच्यून करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष।
ये सारे प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको भी बता दूंगा, एक बार जो रिवीजन होगा तो उसमें सारा बता दूंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो विग वैग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला ये भी है, गैलेक्सी को पूछता क्या पूछता, तो मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान का झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो शिरम। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपसे पूछा जा सकता है? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इस स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। ये प्रश्न याद रखना है आपको। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसको कहते हैं साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है। किस आकाश पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र। तो चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। हाँ, ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर आपसे पूछा जाता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश का अपवर्तन तारे के टिमटिमाने का कारण है। ठीक है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने प्रिज्म वाला ये चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा 7 में डिवाइड होती है। इसका जो नीला कलर जो होता है उसकी क्या होती है? वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ जिसकी कम होगी वो एकदम स्कैटर्ड हो जाएगा। और एक दूसरा प्रश्न भी होता है कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं ध्यान। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगलैन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकट है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह है बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। 8 मिनट 16.6 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कलर स्कैटर्ड नहीं होंगे, तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर लाइट नहीं। ठीक है। कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। क्या है? पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोली दूरी क्या होती है? भाई ये प्रश्न बहुत पूछा गया आपसे, खगोली दूरी वाला। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोली दूरी कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब एक और प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पर। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 50, एक प्रकाश वर्ष में कितनी मतलब किलोमीटर होते हैं? तो आप याद रखना 9.46 × 10^12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। 10^12 है, ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। देखो, सौरमंडल से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप एक तो प्रकाश वर्ष के बारे में याद रखेंगे, दूसरा खगोली दूरी के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा था कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, तो आप टीम रोहित तोमर के इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, कहीं भी पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, टीम रोहित तोमर। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।